दोस्तों रविवार 12 नवंबर को भारत को विश्व कप 2023 के अपने नौवे और आखिरी मैच में नीदरलैंड से भिड़ना है। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अपनी पिछले सभी मैचों में जीत हासिल करके अविश्वसनीय प्रदर्शन किया, जिससे पॉइंट टेबल में टॉप की स्थिति पर आज भी भारतीय टीम बरकरार है। गौरतलब है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एक अहम उपलब्धि हासिल की और युवा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने भी सफलतापूर्वक सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिसके कॉम्पिटिशन में और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धा हमको जो है यहाँ सेमीफाइनल में देखने को मिलेगा। टीम इंडिया लीग चरण का आखिरी मैच जो है डच टीम के खिलाफ खेलेगी और उसके बाद अपने मोस्ट अवेटेड सेमीफाइनल में उतरेगी। हालांकि मैन इन ब्लू की नजर नॉकआउट चरण की शुरुआत से पहले अपने आखिरी गेम पर होगी और वह पहले सभी 9 मैच जीतकर एक रिकॉर्ड बनाना चाहेगी। जाहिर तौर पर बिना हारे टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचने से उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा और इसका फायदा टीम को सेमीफाइनल में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि खिलाड़ी पूरे उत्साह से भरपूर होंगे। गौरतलब है कि टीम इंडिया दिवाली के दिन नीदरलैंड से मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी। आमतौर पर त्यौहार के दिन में भारत के मैच नहीं होते हैं, खासकर दिवाली जैसे त्यौहारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 1987 में दीपावली के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप खेला था। यह मैच दिल्ली में ही खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर भारतीय फैंस को जीत के साथ दिवाली गिफ्ट का इंतजार पहले से ही है। दोस्तों अब आइए सीधे बात करते हैं कि नीदरलैंड के खिलाफ कैसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11 और किन खिलाड़ियों को जो है टीम में मौका मिल सकता है। इस वर्ल्ड कप में डच टीम ने फैंस को खूब प्रभावित किया है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों को भी हराया है, लेकिन भारत को चुनौती देना उनके लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया ने बड़ी बड़ी टीमों को एक तरफा हराया है। ऐसे में उलटफेर ही नीदरलैंड को वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत दिला सकता है। वहीं डच टीम के खिलाफ मैच में टीम इंडिया अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकती है। इस मैच में से प्रमुख रूप से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को आराम मिल सकता है और युवा जोश के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतर सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें संभावित प्लेइंग 11 की, तो आपको बता दें कि सुमन गिल और ईशान किशन जो है ओपनिंग बल्लेबाजी की भूमिका में नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर, KL राहुल, सूर्यकुमार यादव जो है मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को संभालेंगे, जहां पर KL राहुल कप्तान के रूप में जो है टीम के साथ जुड़ सकते हैं। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सभी जो है टीम का हिस्सा इस मैच में रहने वाले हैं। दोस्तों टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अब टीम इंडिया को आखिरी मुकाबला खेलकर सीधे सेमीफाइनल में खेलना है। ऐसे में कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर युवा जोश को आगे लाने का फैसला किया है। आखिरी लीग मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से युवा खिलाड़ियों से सजी टीम मैदान पर उतरने वाली है और इसी के साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा को आराम भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी नीदरलैंड के खिलाफ जो है टीम, आखिर कैसी टीम लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्या ये टीम जो है नीदरलैंड को हरा पाएगी, इसका जवाब भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।